आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन चुनिए। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर गद्यांश शुरू हो रहा है, किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्सी नाम से कैब सेवा प्रारंभ करी। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विवशता भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पिता के इलाज में पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिलाया। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? आपके चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका जरूरतमंद लोगों के लिए, दूसरा विकल्प है मुंबई के निवासियों के लिए, तीसरा विकल्प है कामकाजी महिलाओं के लिए और चौथा विकल्प है महानगरों के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इन्होंने कैब सेवा शुरू करी, तो आपको जो आपका गद्यांश है आपको लाइन मिल जाती है कि क्या करा इन्होंने। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्सी नामक से कैब सेवा प्रारंभ करी। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। तो दोस्तों इन्होंने किन के लिए शुरू करी? तो कामकाजी महिलाओं के लिए यह सेवा शुरू करी। तो रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका पहला विकल्प है जरूरतमंद लोगों के लिए, यह बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा विकल्प दे रखा है मुंबई के निवासियों के लिए, यह भी गलत है। जो आपका तीसरा विकल्प दे रखा है कामकाजी महिलाओं के लिए, दोस्तों यह आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।